फाइनली मैं और मेधा हांगकांग घूमने निकले। हम लोग जा रहे हैं हांगकांग पीक। देखा कि एज यूजुअल अभी तक तबीयत थोड़ी ख़राब है तो फिर वो डर लग रही है। अभी हम लोग अपने मेट्रो स्टेशन यहाँ पर MTR, हाँ इसको MTR बोलते हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। मध्य प्रदेश रेलवे। वाह वाह, ये वॉम्पुआ एरिया है हांगकांग का। मेधा हम लोग MTR की तरफ जाते हुए, तो अभी अभी हांगकांग सेंट्रल आ गए हम लोग। अभी पीक ट्राम के लिए वॉक कर रहे हैं। इट्स अराउंड 700 मीटर फ्रॉम सेंट्रल MTR। हम लोगों ने गूगल मैप ऑन करा है, लेकिन थोड़े कंफ्यूज हैं कि सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। लेट्स सी, थोड़ी देर में मेघा का पारा पार छूट जाएगा अगर हम लोग गलत जाएंगे तो। मेरा सही आ रहे हैं हम, कुछ तो बोलो, सही आ रहे हैं गलत जा रहे हैं? जा रहे हैं। हंस रहे हो तुम तो? वैसे इसमें दिखा रहा है मैप में, मैप सही है। क्वार्टर रोड के बाद फ्रॉम द सिग्नल वी हैव टू टेक राइट। लेट्स सी, यह हांगकांग का सेंट्रल एरिया है। इसे डाउनटाउन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये यहाँ का बिजनेस हब और फाइनेंशियल सेंटर है। यह एरिया टूरिस्ट और लोकल्स में बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पर सारे फेमस डिस्को, बार, पब और टूरिस्ट हॉटस्पॉट लाइक विक्टोरिया पीक हैं। डिज्नीलैंड और ओशन पार्क जैसे अम्यूजमेंट पार्क भी यहीं पर मौजूद हैं। बाकी सारी बातें आराम से होती रहेंगी। अभी के लिए मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने मेधा और खुद को भटका दिया। लड़की सही आ रहे, अपोजिट जा रहे। अरे बेटा पीछे आना ना बेटा, ये इधर जाना है, इधर लेफ्ट साइड उस तरफ जाना है। चल जा रहे, वहां से चलेंगे। चल जल्दी जल्दी जल्दी, आप सही आ रहे? मैं ही ले जा रहा हूँ, मतलब गलत गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं गलत गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही गया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही तो जा रहे हैं, एक्चुअली हांगकांग पीक नहीं है, ये मेरे घर का पीक है। क्योंकि अभी तक की जो स्टोरी आपने देखी कि मैं और मेधु वॉम्पुआ से निकले, सेंट्रल तक आए मेट्रो पकड़ के, फिर हम लोगों ने वॉक करा तो वो मेट्रो स्टेशन। इसके बाद क्या हुआ, इसमें एक कड़ी मिसिंग है। वो कड़ी ये है कि हम लोगों ने जो टिकट बुक करी थी वो करी थी केलॉग से। केलॉग से बुक टिकट बुक करने का फ़ायदा ये है कि आपको पहले छोटा सा डिस्काउंट मिल जाता है 10-15 हांगकांग डॉलर का हर एक टिकट पे। दूसरा मेजर एडवांटेज उसका ये है कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा आपका सेव हो जाता है। कैसे सेव होता है टाइम, क्योंकि अगर आप केलॉग से बुकिंग नहीं करते हैं या किसी एजेंट के थ्रू बुकिंग नहीं करते हैं तो आपको पीक ट्राम तक आना पड़ता है। वहाँ पर लंबी लाइनें लगी रहती हैं जहाँ पर आपका 1-2 घंटा आराम से लग सकता है। केलॉग पे बुक करने का फ़ायदा इस तरह ये है कि आपका टाइम इस तरह सेव होता है कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता है। जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन, सेंट्रल मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हैं, केलॉग के गाइड वहाँ खड़े रहते हैं। वहाँ पर हर एक बैच वाइज खड़े रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका 3 बजे का स्लॉट है तो आपके बंदे जिन सबका 3 बजे का स्लॉट है वो सब वहाँ खड़े रहेंगे। हम लोगों के साथ हुआ क्या, लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने केलॉग का कन्फर्मेशन देखा ही नहीं। हमने अज्यूम किया कि केलॉग के जो बंदे हैं वो हांगकांग पीक के वहाँ पर मिलेंगे हम लोगों को, और हम लोगों ने उतना वॉक कर लिया। वहाँ पर जाके जब हम लोगों ने ये देखा
पूछा कि यहाँ पर केलॉग का काउंटर कहाँ पर है, तो कोई आंसर हम लोग को मिला नहीं। तो हम लोग रियलाइज हुआ यहाँ पर केलॉग का काउंटर ही नहीं है। फिर हमने जब कंफर्मेशन मेल चेक करा, उस पर लिखा हुआ था, बड़े बड़े अक्षरों में हम लोग बोलते हैं, लिखा हुआ था कि आपको मेट्रो स्टेशन से बाहर आना है और इस एग्जिट के सामने हमारे केलॉग के बंदे मिल जाएंगे। तो हम लोगों के पास टाइम बहुत कम था, हम लोग को भागते हुए कैब लेके एकदम से नीचे आना पड़ा और हम लोग लकी रहे कि हम लोग को हमारा बैच मिल गया। तो ये पॉइंट इस कहानी में मिसिंग। तो ये आ गई हमारी लाल कलर की धन्नो, ये हमको लेके जाएगी हांगकांग पीक। ट्राम स्टेशन से हांगकांग पीक की जर्नी 7 से 8 मिनट में कवर की जाती है। तो कुछ ही मिनटों में हम लोग टॉप पर होंगे हांगकांग सिटी के नज़ारे देखते हुए। जैसा कि मैंने अपने इसी वीडियो में पहले बताया कि हम लोगों ने अपनी टिकट केलॉग के थ्रू बुक करी और हम लोगों ने एक कॉम्बो पैक लिया और हमारे पैक में ट्राम की टिकट इंक्लूड थी आने और जाने की, और मैडम प्रसाद भी उसमें इंक्लूड है। चॉकलेट फैक्ट्री जो हांगकांग पीक पर है वो भी हमारे पैक में इंक्लूड है। लेकिन ये डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल के चॉइसेस पर। अगर आपको लगता है यहाँ आके कि आपको सिर्फ ट्राम की टिकट लेनी है, तो आप सिर्फ ट्राम की टिकट लेके पीक तक जा सकते हैं, और आप डिसाइड कर सकते हैं पीक पर जाने के बाद कि आपको चॉकलेट फैक्ट्री में जाना है या मैडम प्रसाद जाना है या नहीं जाना है। Finally, we are at Hong Kong Peak. So find a way to get lost. So find a way to get lost. Just find a way to get lost. Yeah, we'll find a way to get lost. So find a way to. मीसा तो बोल रही है एमपी में एक जगह है पचमढ़ी, वहाँ पर एक जगह है जटा शंकर, वैसी फीलिंग हो रही है जटा शंकर, वैसी फीलिंग हो रही है उसको यहाँ पर आने। मुझे लगा कि पूरा सब कुछ वेस्ट करा, पूरी प्लानिंग वेस्ट थी, मतलब टिकट करी आए हम और इतना थोड़ा बहुत सफर नहीं कर रहा, दोनों तरफ वाला इंग्लिश वाला हिंदी वाला दोनों सफ़र करें। जटा शंकर घूम आते इससे अच्छे घर में जाना हो जाता। दो मिनट के लिए पानी पीने गया, इतनी देर में क्या देखता हूँ कि मेरे को एक कार्ड मिल गया है हार्ट शेप का, जिसमें वो मेरी और अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन माई लैंग्वेज फीड कर रही है अलॉन्ग विथ अवर फोटोग्राफ। उसने एक बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनाई है, खुद की और एक मेरी। फाइनली अब मेरे सिग्नेचर मांग के दोनों का अप्रूवल हो गया है। अब उस कार्ड को मेथु लेके खड़ी हुई है, इंतज़ार करते हुए कि सामने जो अंकल आंटी खड़े हुए हैं वो उस पोजीशन से अलग हुए तो मेधु कार्ड को वो जो हार्ड शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है वहाँ पर जाके टांग सके। अंकल आंटी अलग तो हुए नहीं, इसलिए मुझे कैमरे को टेढ़ा करके मेधु को कैप्चर करना पड़ेगा। और फाइनली मेधु को सक्सेस मिली और ये उसने कार्ड को लगा दिया है। ये देखिए कार्ड लग गया है और लड़की के चेहरे पर खुशी। 4 घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद ये वो नज़ारा है सिटी ऑफ लाइट हांगकांग का, जिसको देखने के लिए हम लोग और बहुत सारे हम जैसे लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग मॉर्निंग में यहाँ पर आए थे तब यहाँ पर नॉर्मल भीड़ थी, लेकिन अब यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो ये जो मैंने सीन कैप्चर करा है, मुझे ही पता है ये सीन मैंने कैसे कैप्चर करा है, मुझे कितनी डिफ़िकल्टी हुई ये सीन कैप्चर करने में, और इस सीन को कैप्चर करने के बाद ही लोग मुझे किनारे करते गए। तो फाइनली मुझे किनारे पर जगह मिली। किनारे में जगह मिलने के बाद ही मुझे और मेरे को कुछ टाइम मिला एक जगह खड़े होकर वीडियो प्रॉपर तरीके से कैप्चर करने का। लेकिन एक किनारे आने का एक फ़ायदा भी हम लोगों को हुआ। जैसे हम लोग किनारे पर आए उस समय सिम्फनी ऑफ लाइट शो जो कि आप सामने देख रहे हैं वो जस्ट चालू होने वाला था। ये सिम्फनी ऑफ लाइट जो शो है वो प्रॉपर तरीके से विक्टोरिया हार्बर पर देखा जा सकता है, और हम लोग विक्टोरिया पीक पर हैं। हांगकांग पीक को विक्टोरिया पीक भी बोलते हैं,
इसी के नीचे अगर जाते हैं तो विक्टोरिया हार्बर आता है, जहां से ये शो प्रॉपर तरीके से देखा जा सकता है। इस शो को लाइट एंड म्यूजिक शो भी बोलते हैं। ये जो शो है, यहाँ पर स्काई 100 जो बिल्डिंग है, ये यहाँ की टॉलेस्ट बिल्डिंग है हांगकांग की। जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, उसी तरह हांगकांग की सबसे बड़ी बिल्डिंग स्काई 100 है, जिस पर ये स्काई म्यूजिक शो ऑर्गेनाइज होता है। लोग दुबई जाते हैं बुर्ज खलीफा का शो देखने के लिए, और हांगकांग लोग आते हैं हांगकांग की ब्यूटी देखने के लिए और ये शो देखने के लिए। अब टाइम हो रहा है इस जगह को, प्यारी सी जगह को छोड़ने का, लेकिन आप लोगों के लिए हम लोगों ने अभी मैडम प्रसाद का टूर बचा के रखा है। हमने अपने आज के दिन की सारी एक्टिविटीज और मैडम प्रसाद म्यूजियम के मोमेंट्स कुछ अलग तरीके से कैप्चर किए हैं, तो हियर वी गो। Just getting started, I know that you want it. Baby, just get on it, ready to go. We know how to party, pull up the Bacardi. Feel it in my body, put on a show. Yeah, yeah, let's go. Nah, we ain't never gonna slow down. All the girls looking hot like a hoe damn. Everybody going off in my hometown. Ready for a showdown, keep it on the low now. We about to pop off like a bottle. Everybody knows that we're going full throttle. Drinking alcohol, yeah, straight from the nozzle. End of the night, end up horizontal. They know they want something more. They know they want something more. They've never heard us before. They've never heard us before. A sound that's hard to ignore. A sound that's hard to ignore. It's time to even the score. Oh, yeah, we party like we hate it. We party like we hate it.